हेलो एवरीवन, गुप्ता अकेडमी मलोट चैनल में थोड़ा स्वागत है। हाँ जी, मेरे पिछले वीडियो में तुसी कंपलैक्स नंबर के सम किए थे। अज मैं बाइनोमियल थ्योरम लेके आ रहा है, जो अज मैं टॉपिक करा जा रहा बहुत ही इंट्रस्टिंग है। तो ये 2 मार्क्स श्योर है, 100% है भी पेपर के पूछे ही जाएंगे। हाँ जी, ज़्यादा समय ना लगता हो मैं वीडियो स्टार्ट कर लग्या। हाँ जी, पहले जी बाइनोमियल थ्योरम आपां इहदे विच नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करांगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होणगियां, नंबर ऑफ टर्म्स देखो जी, अपने कोई फॉर्मूला है ए प्लस बी रेज पावर एन है, तो इहदे विच नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होणगियां, एन प्लस वन होएगा। एन की होएगा अपने को पावर होएगी, पावर दे विच आपां एक प्लस कर देंगे, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगियां। मैं एक जस्ट एक एग्जाम्पल लैंदा, मान लो अपने को ए प्लस बी का होल स्केयर है, अपने को एक टर्म ए है, दूजी टर्म अपने को बी है, ठीक है जी। अलग अलग है, डिफरेंट है, ये दोनों चीज़ा की है अपने को डिफरेंट है। डिफरेंट तो है कि चीज़ अपने को टू वेरिएबल, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, टू वेरिएबल लई है, ए प्लस बी होल स्केयर है। इन्हों आप सॉल्व करते हैं तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। देखो जी, फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीन टर्म्स आईया। मीनस अपने को सी ए प्लस बी, अपने को जो पावर से अपने को एन सी, तो नंबर ऑफ टर्म्स की आन गया, नंबर ऑफ टर्म्स कि आ गई, एन प्लस वन। एन कि अपने को टू सीगा, प्लस वन कर देंगे अपने को कितने आ जाएगी थ्री, तो अपने को थ्री टर्म्स आई सगियां, फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड। ये कदों होएगा, जो अपने को एक्स प्लस वाई रेज पावर एन होएगा। मीन्स टू वेरिएबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू वेरिएबल। इतने लिख देना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू वेरिएबल्स। क्लीयर है जी, जदों एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी रेज पावर एन दी फॉर्म विच होवे, तो उदों अपने कोल फार्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगियां, एन प्लस वन। क्लीयर है, आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्लीयर हो जाएगा। होर श्योर है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स श्योरिटी है, 100% श्योर है भी तुम स्कोर कर सकते हो। अपने को कुछ एग्जाम्पल है, तीन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एक्स प्लस वाई रेज पावर 6। हाँ जी, इन सोल्व करते हैं। देखो जी, अपने कोल एन किन्ना है, इतने ही सोल्व कर देने, एन अपने कोल किन्ना है जी 6 है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने कोल किन्ना आ जूगा एन प्लस वन, 6 प्लस वन किन्ना आ गया जी, अपने कोल 7 टर्म्स आ जाएगी। सैकेंड है, देखो टू वेरिएबल सी एक्स से वाई, ये भी एक्स वाई है। हाँ जी, ये एन प्लस वन कर देंगे, मीनस 5 प्लस वन, अपने को 6 टर्म्स आ जाएगी। ये गल करिए, देखो जी वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, मैं डिफरेंट वेरिएबल ओनली टू वेरिएबल की गल कर रहा, पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है। इतने अपने को पी ते क्यू की फॉर्म च है, तो अपने को एन की वैल्यू 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां हो सकती हैं, एन प्लस वन मीनस 8 प्लस वन, तो अपने को 9 टर्म्स आ जाएगी। क्लीयर है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, बाय डेफिनेशन ही पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर चक लो, उन्हें जो बाय डेफिनेशन क्वेश्चन आया हुआ है भी, अपने कोल कोई भी एक्स प्लस वाई रेज पावर एन है तो इन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनगियां। ऑप्शन दस, ऑप्शन है अपने को, ए ऑप्शन एन है, अपने को एन प्लस वन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है एन माइनस वन है, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मैं ना जस्ट मैनू याद नहीं है कलैरिटी नाल भी ऑप्शन की सी, मैं जस्ट ऑप्शन तो तुम पा दती है। हाँ जी, टू वेरिएबल है, पावर एन है, हमने दसिया एन प्लस फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस वन, तो अपने को बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी एन प्लस वन। हाँ जी, ए दा क्वेश्चन इस तरीके का सी, आप नैक्सट करते हैं। इतने माइनस भी हो सकता है, मान लो अपने को 3x माइनस 4y रेज पावर 9 है, इतने आप प्लस लेके चले से ना, माइनस भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स
एन प्लस वन मीन नाइन प्लस वन अपने को टेन आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, हाँ जी, ये तो सी अपने को डिफरेंट वेरिएबल वास्ते। जे अपने को सेम वेरिएबल वास्ते आ जाए वो तो फर्स्ट ऑप्शन सी अपने को, सैकेंड केस है फॉर सेम वेरिएबल। यदि एग्जाम्पल लैके चलते फार्मूला, पहले आप एग्जाम्पल दस दें फॉर्मूला तुम्हें क्लीयर कर देंगा। हाँ जी, मान लो अपने को एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज पावर एन है, अपने को डिफरेंट वेरिएबल आ गए। ये तो अपने को चलो सेम वेरिएबल सी है ना, सॉरी डिफरेंट वेरिएबल सी। ये आप सेम वेरिएबल की गल कर चाह रहे हैं, सेम वेरिएबल आप मान लें वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर एन कोई भी टर्म्स है। ये आप जस्ट न्यूमेरिकल लैके चलते हैं, इनकी पावर आप सिक्स ले लें। ठीक है जी, ये आप देखना पड़ेगा मैक्सिमम या हाईएस्ट लिख लो, हाईएस्ट पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस वन, ये अपने को फॉर्मूला होएगा। ठीक है, जे अपने को सेम है कंडीशन, अपने को सेम वेरिएबल दी है, यह चीज ध्यान रखना। तो अपने को बन जाएगा, देखो जे इन लिख सकते ना वन एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं ना, वन इंटू एक्स की पावर जीरो अपने को वन ही होएगा प्लस एक्स स्केयर रेज पावर सिक्स, इन्दे चे हाईएस्ट पावर कितनी होएगी, हाईएस्ट पावर कितनी होएगी, देखो जे इन्दा भी तो पावर करनी है ना, इन्दी वन पावर है, वन सिक्स ने मल्टीप्लाई तो सिक्स, इन्हू किता जीरो, इन्हू किता ट्वेल्व, तो हाईएस्ट पावर अपने को ट्वेल्व है। तो लोएस्ट पावर की गल करा, लोएस्ट पावर अपने को जीरो ही है मीन जीरो आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होनगियां, नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होनगियां, मैक्सिमम पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस वन, मैक्सिमम कितनी है ट्वेल्व, लोएस्ट कितनी है जीरो प्लस वन, तो अपने को ट्वेल्व प्लस वन कितना आ गया जी थर्टीन आ गया जी, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। क्लीयर है जी, बहुत वधिया क्वेश्चन है, कंसैप्ट पेपर में पूछे जाने नहीं, पूछे जा चुके हैं, मैं तुहानूं इह तां दस रहा बहुत अच्छे तरीके नाल। हाँ जी, एक होर एग्जाम्पल लैके चलते हैं, सेम वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स, इत्थे पी 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 भी हो सकता है, क्यू 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 भी हो सकता है। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना, सेम वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस वन फार्मूला लगा देंगे। हाँ जी, इनकी पावर देखो जी वन है, यदि पावर भी वन है, इतने आप वन लिख लें। ठीक है, इनू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, नाल तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जो हाईएस्ट पावर की गल करते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी अपने को 220/40 हो गया जी, तो लोएस्ट पावर की गल करा तो जीरो ही हो गया, तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगियां, नंबर ऑफ टर्म्स हाईएस्ट पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस वन, हाईएस्ट पावर अपने को 40 है, ठीक है जी, माइनस लोएस्ट पावर अपने को जीरो है प्लस वन, तो अपने को 40 प्लस वन कितना आ गया जी 41 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। इतों अपने को पावर इतने तो अपने को कितनी सी जीरो आ गई ना, लोएस्ट पावर जीरो आ गई, जब आप इतने वन लैके चलते हैं या टू लैके चलते हैं, आप भी वेरिएबल कर लें, मान लो अपने को 2x² प्लस 3x रेज पावर 3 प्लस 4x रेज पावर 5 रेज पावर अपने को 10 है, तो इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर की गल करा, देखो जी हाईएस्ट पावर से देखो वेरिएबल की पावर कितनी 5 है, 5 × 10 = 50, तो हाईएस्ट पावर तो 50 होएगी। जे लोएस्ट पावर की गल करा, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर इतों डिग्री देख लो, डिग्री चेक कर लिया करो, डिग्री 2 है, 10 मल्टीप्लाई किया अपने को कितना आ गया जी 20। आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, हाईएस्ट पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस 1, हाईएस्ट पावर कितनी है जी अपने को 50,
ठीक है जी, माइनस 20 लोएस्ट पावर है, प्लस 1 तो अपने को कितना आ गया 30 प्लस 1 तो अपने को 30 की हो गई जी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। क्लियर है जी इतना तक? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करन तो पहला तुहानू मैं दस देवां आपां ATT दा काम भी कर रहे हैं, पंजाब टैट JEE JEE आपां कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस 2 एंड ATT दा काम भी चल रहा है, मास्टर कैडर दा भी चल रहा है। तो अपना एक यूट्यूब ते चैनल है अपने कोल गुप्ता अकैडमी मलोट, तो तुसीं यूट्यूब ते चैनल ते विजिट कर सकते हो, उत्थे बहुत सारिया मास्टर कैडर दी आपां वीडियो पा चुके हैं ते आने वाले समय च पाउंदे रहांगे जे थोड़ा साथ मैनूं इस तरीके नाल मिलदा रहा। हाँ जी, जिहड़े कैंडीडेट पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो तुसीं लाइक करना है, कमेंट करना है, सबसक्राइब करना है ते अपने दोस्तों नूं शेयर भी करना है ता जो आने वाली वीडियोज़ मैं होर भी इंट्रस्टिंग लेके आवां ते होर भी नवीं नवीं ट्रिक्स तुहानूं दस सकां। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आपां। अपने कोल थर्ड केस है, दो केस आप कर चुके हैं, जे अपने कोल दो वेरिएबल होण एक्स वाई होवे जां पी क्यू होवे जां आर एस होवे उनकी पावर एन होवे तां नंबर ऑफ टर्म्स आपां एन प्लस वन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जे अपने कोल सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, 1 2 3 ऐ करके है, एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर है ना, उन्होंने आप कर चुके हैं भी हाईएस्ट पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस 1। जे हुण आप थर्ड ट्रिक करन जा रहे हैं, केस थर्ड है, जे अपने कोल पावर एन है ते नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है, आप तो पहले किया नंबर ऑफ टू टर्म्स आप पहले किया एक्स प्लस वाई रेस पावर एन, अपने को टू वेरिएबल वास्ते आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कितिया सी एन प्लस वन। क्लीयर है? हुण अपने को थर्ड केस है जिदे विच एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस पावर एन है, कोई भी जनरल टर्म ले लेंगे हैं तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। देखो जी, ये तो अपने को टू वेरिएबल वास्ते सी, हुण अपने को मोर दैन टू है नाले मोर दैन टू एंड डिफरेंट वेरिएबल्स तो उहदे वास्ते आपां फाइंड आउट किवें कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। देखो जी, जिहड़ी अपने को टर्म्स है, अपने को 1 2 3 है, तीन टर्म है, इहनूं आपां के मान लैंदे हैं, ठीक है जी। तो अपने को बन जाता फार्मूला एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। अपने को एन की है पावर है, के की है वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस वन तो करना ही करना है, ठीक है जी। कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं आप, क्लीयर हो जाएगा थोनों। हाँ जी, अपने को एग्जाम्पल है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड रेज पावर फाइव है, आप इन्हू मान के चलते हैं। अपने को इतने एन किन्ना है फाइव है, के किन्ना है 1 2 3 तीन वेरिएबल है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ठीक है जी। एन की वैल्यू फाइव है प्लस के किन्ना अपने को थ्री है, क्योंकि तीन टर्म है ना, तो थ्री वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो अपने को कितना बन गया 5 + 3 = 8, 8 - 1 = 7, 7c2 बन गया। इसमें तुम सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 7 factorial divided by 2 factorial, 7 - 2 5 factorial, 7 × 6 × 5 factorial divided by 2 × 1 × 5 factorial, 5 factorial कैंसिल हो गया, 2 3 = 6 21 आ गया। अपने को नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगियां, ये तो इस केस च 21 आ जाएगी। कोई डाउट है जी? जे हले भी किसी कोई दिक्कत हो मैनू कमेंट सैक्शन कमेंट करके दस सकते हो, तो नैक्सट वीडियो दे विच उसका डाउट क्लीयर कर दिता जाएगा। हाँ जी, एक होर एग्जाम्पल लैके चलते हैं तो क्लीयर हो जाएगा। होर इस बेस से क्वेश्चन पूछा जा चुके प्रीवियस ईयर पेपर से 2016 2017, तुसी पेपर चेक कर सकते हो।
हाँ जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज पावर 10 है, तो अपने को एम की वैल्यू 10 है, के की वैल्यू अपने को 1 2 3 3 है, फॉर्मूला लगा दिए एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, एन की वैल्यू अपने को 10 प्लस के 3 माइनस वन सी के माइनस वन, तो कितना बन गया 7 13 माइनस वन 12 सी, इतने के माइनस वन का मीनस 3 माइनस वन टू 12 सी 2 का फैक्टोरियल सॉल्व कर दिए, फैक्टोरियल सॉल्व करना आता ही है अपने को, फार्मूला की होता है एन सी आर, अपने को होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी अपने को एन बन गया ये अपने को आर बन गया, सोल्व कर लो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई सॉरी 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, 2 6 जार 12 तो अपने को 11 6 जार 66, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 66 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीगा। हाँ जी एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा दिना, इन रेज कर देने हैं एक्स प्लस वाई रेज पावर एन हो गए तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने को एन प्लस वन बन जाएगियां, जे सेम हो गए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दी पावर एन है, तो अपने को मैक्सिमम पावर माइनस लोएस्ट पावर प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगियां, जे अपने को डिफरेंट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज पावर एन है, अपने को एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन अपने को टर्म्स बन जाएंगे, ये तीन फॉर्मूले फॉर्मूले का की कह सकते हैं ट्रिक कह सकते हैं, बहुत ही मैं कहना 5 या 6 सेकेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मास्टर कैडर लिए अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, अज की वीडियो में नहीं करा, नैक्सट वीडियो के इंडिपेंडेंट टर्म उसका कोफिशियंट फाइंड आउट करना है वो आप वीडियो लैके आवेंगे। हाँ जी जो कैंडिडेट पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो कमेंट माई वीडियो एंड प्रेस द बैल आइकॉन टू गैट द नोटिफिकेशन, थैंक यू।